আমরা নজর রাখব মহারাষ্ট্রের পরিস্থিতির দিকে। আজ বৈঠক ডেকেছেন উদ্ধব ঠাকরে, জানা গিয়েছে মন্ত্রিসভার এই বৈঠক দুপুরে মহারাষ্ট্রে মন্ত্রিসভার বৈঠক উদ্ধব ঠাকরের। অন্যদিকে আজ ইডি দপ্তরে হাজিরা দেওয়ার কথা ছিল শিবসেনা নেতা সঞ্জয় রাউতের, কিন্তু তিনি আজ হাজিরা দিলেন না, তার জায়গায় তার আইনজীবী গিয়েছিলেন ইডি দপ্তরে। আপনাদের আরও একবার জানিয়ে রাখবো, উদ্ধব ঠাকরে তিনি আজ বৈঠক ডেকেছেন, জানা গিয়েছে দুপুরে মহারাষ্ট্রের মন্ত্রিসভার বৈঠক করবেন উদ্ধব ঠাকরে, এবং আজ ইডির দপ্তরে হাজিরা দেওয়ার কথা ছিল বিজেপি শিবসেনা নেতা সঞ্জয় রাউতের, কিন্তু তিনি আজ হাজিরা এড়িয়েছেন, তার আইনজীবী ইজির দপ্তরে পৌঁছেছেন আজ। আমরা কথা বলবো, টেলিফোন লাইনে রয়েছেন প্রতিনিধি নীরজ ঠাকুর। নীরজ, বিস্তার মে জানা চাহেঙ্গে ইস বারে মে। ये देखिए, जो जिस तरीके से महाराष्ट्र में हर रोज वो घटनाक्रम बदल रहा है, आज अभी शिवसेना की बैठक आई गई है, कुछ देर बाद होगी दोपहर में, और जिसमें जो उद्धव ठाकरे ने बैठक बुलाई है, उनके तमाम एमएलए और पार्टी पदाधिकारी सब इसमें मौजूद रहेंगे और संजय राउत भी मौजूद रहेंगे। संजय राउत आज ईडी के ऑफिस नहीं गए थे, उन्होंने ईडी को कल ही चिट्ठी लिखी थी जिसमें बताया था कि वो पेश नहीं हो सकते, क्योंकि उनका कार्यक्रम है, पहले से निर्धारित पार्टी का कार्यक्रम है जिसमें वो रहेंगे, तो वो ईडी ऑफिस नहीं गए हैं संजय राउत। तो ये एक महत्वपूर्ण बैठक है। लेकिन एक दूसरी खबर जो अभी आ रही है वो ये है कि कल जो रात को बैठक बीजेपी की हुई थी देवेंद्र फडणवीस के घर पे, आज खुद देवेंद्र फडणवीस आज जो है वो दिल्ली पहुंच रहे हैं, निकल चुके हैं महाराष्ट्र से, दिल्ली पहुंच रहे हैं और अपने सीनियर जो लीडर्स हैं उनसे मुलाकात करेंगे। तो जाहिर है कुछ और आज शाम तक बड़ी खबर मिलने की उम्मीद है। शुक्रिया नीरज जी। আমাদের সঙ্গে টেলিফোন লাইনে ছিলেন প্রতিনিধি নীরজ ঠাকুর।